बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है, यानी इंसान बतदरीज तरक्की करता है। दिस लेसन टेल्स अस दैट लिटिल थिंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। It also tells that co-curricular activities help students learn a lot of things and thus prepare them for the future. So let's start the reading of this unit and come to know about the writer through his activities. Page number 80, paragraph number 1 start karenge yahan se. The last couple of years have been a long bumpy ride for me. Last couple of years, guzashta 2 saal, couple of years kehte hain 2 saal, have been a long bumpy ride. Long bumpy ride, ek lambe mushkil safar ki tarah. Guzashta 2 saal mere liye ek lambe mushkil safar ki tarah rahe hain, as they have for everyone of my age, jaisa ki meri umar ke tamam logon ke liye hote hain. द एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट, तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीन एज सरकमस्टेंसेज। टीन एज नौमरी के सरकमस्टेंसेज हालात, यानी तजर्बात तो मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन बहुत से लोगों को नौमरी के इन हालात से गुजरना पड़ता है। एज आई हैव डन, जैसे कि मैं गुजरा हूँ। All of them have dealt with them in their own way. Dealt, deal की second form है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से निमटना या सामना करना। All of them have dealt with them in their own way. हर कोई, सब लोग इनसे अपने तरीके से इनका उन्होंने सामना किया। As a personal participant, एक ज़ाती शरीकेकार की हैसियत से in this game, इस खेल का, वी कॉल लाइफ, जैसे हम जिंदगी कहते हैं, आई वुड से, मैं ये कहूँगा, आई वर्कड हार्ड, मैंने सख्त मेहनत की फॉर द फर्स्ट प्लेस, पहला मकाम हासिल करने के लिए, एंड अर्नड इट, और उसे हासिल किया। दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बारे में मेरा ये सिर्फ एक क्रिएटिव व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बारे में मेरा ये तख्लीकी नुक्ता नज़र है। इट इज़ बैड, ये बुरा है, बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन हकीकत ये है, नोट एवरी वन सीज़ इट, कि हर कोई इसे ऐसे नहीं देखता, इन द सेम वे, इस तरह से नहीं देखता, एज आई डू, जैसे मैं देखता हूँ। पैराग्राफ नंबर 2, एज अ स्टूडेंट, एक तलब इल्म की हैसियत से, आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, मैं एक सरगर्म शरीकेकार हूँ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों का। माई फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी पहली तरजीह, हैज़ ऑलवेज बीन, हमेशा यही रही है, टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, कि मैं स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करूँ। ऑल दो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, अगरचे ये मेरे लिए अहम है, आई ऑल्सो नो, मैं ये भी जानता हूँ, that by participating in sports and after school activities, के खेलों और स्कूल के बाद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वजह से, I will become a well-rounded student, मैं एक all-rounded student बन जाऊँगा, जो हर चीज़ पे अबूर रखता है। During the past years of my high school career, अपने high school के career के पिछले सालों में, I participated and received awards in the following, मैंने हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए मदरजा ज़ैल चीज़ों में, कायदे आज़म बैच इन स्काउटिंग, यानी स्काउटिंग में कायदे आज़म बैच, विनर ऑफ हुज़ हू क्विज़ प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ज़िलाई सतह पर होने वाले क्विज़ प्रोग्राम का विनर, एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड ऐसे राइटिंग कम्पटिशन। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, मैंने बेहतरीन तालीमी इनाम हासिल किया,
वाइल पार्टिसिपेटिंग, जब मैंने हिस्सा लिया इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, जब मैंने ज़िलाई सतह पर होने वाले डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का मतलब है तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, एंड ऐसे राइटिंग कम्पटिशन और मजमून नवीसी के मुकाबले में हिस्सा लिया फॉर द ईयर 2011 2011 में। आई आल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, मेरा ताल्लुक मदरजा ज़ैल क्लब्स के साथ भी रहा है, जिनमें शामिल हैं रीडिंग क्लब, 2 years, 2 साल तक रीडिंग क्लब से, सेकेंड ईयर एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, दूसरे साल रीडिंग क्लब के सेक्रेटरी की हैसियत से, एंड कंप्यूटर क्लब और कंप्यूटर क्लब से। इन द ईयर 2009 में आई रिसीव्ड अवार्ड्स, मैंने इनाम हासिल किए इन द फॉलोइंग क्लासेस मदरजा ज़ैल क्लासों में, जिनके नाम हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ज्योग्राफी एंड एडवांस्ड अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड ऑफ अवार्ड फॉर मोस्ट इनक्रेजिंग स्टूडेंट, मैंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाज तालब इलम का इनाम भी हासिल किया है। आई करेंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, इस वक्त मेरा ताल्लुक हाइकिंग और आउटडोर क्लब के साथ है। हाइकिंग होता है एक सफरी बैग लेकर पैदल सफ़र करना, लंबा लंबा सफ़र करना, एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, और इस वक्त मेरा माहौलियाती आगाही के क्लब से भी है, माहौलियाती आगाही के क्लब से भी इस वक्त मेरा ताल्लुक है। इन एडिशन, इसके साथ दिस ईयर, इस साल आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम, मैंने एक और प्रोग्राम में हिस्सा लिया कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड, जिसे कहते हैं दोस्त के साथ पढ़ो। इन दिस प्रोग्राम आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, मैं दूसरे तालब इलमों के एक ग्रुप के साथ वेंट टू द नियर बाई एलिमेंट्री स्कूल, एक करीबी स्कूल एलिमेंट्री स्कूल गया टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्राम किंडरगार्टन टू 5th grade, इब्तदाई क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के तलबा को पढ़ाने के लिए। यहाँ तक हमने रीडिंग की है, पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगली रीडिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।